हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ट्यूटोरियल नंबर 7। तो आज हम बेसिकली 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है पार्टीशंस, दूसरा टॉपिक है स्वैप पार्टीशन और वर्चुअल पार्टीशन, एंड थर्ड टॉपिक है माउंटिंग। ओके, तो बेसिकली एक बार हम ब्रीफ में जान लेते हैं कि आज हम टोटली करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम पार्टीशंस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पार्टीशंस बनते कैसे हैं, बनाया कैसे जाता है, उनको फॉर्मेट कैसे किया जाता है, उन पर फाइल सिस्टम कैसे राइट किया जाता है, फिर उन्हें कैसे यूज़ में लाते हैं। ठीक है, जैसे आपने विंडोज़ में देखा होगा, जैसे हम माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव आ जाती हैं। ऐसे ही हम जो नए पार्टीशंस क्रिएट करेंगे उनको किस तरह से यूजेबल बनाएंगे ताकि वो शो होने लगे माई कंप्यूटर पे, मतलब उन्हें हमें माउंट कराना पड़ता है। जैसे हम विंडोज़ में ड्राइव बनाते हैं और फॉर्मेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली माई कंप्यूटर में शो होने लगती है, लेकिन ऐसा लिनक्स में नहीं होता है। तो लिनक्स में हमें माउंटिंग करानी पड़ती है, तब वो शो होती है माई कंप्यूटर पे। तो पार्टीशनिंग कैसे करेंगे हम, माउंटिंग कैसे करेंगे उसकी, उसके अलावा हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब हमने इंस्टॉलेशन सीखी थी, वर्चुअल पार्टीशंस। वर्चुअल पार्टीशंस मतलब स्वैप पार्टीशन। तो हम एक स्वैप पार्टीशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्वैप पार्टीशंस का जो साइज है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वर्चुअल पार्टीशन और स्वैप पार्टीशन के अंदर। पार्टीशनिंग में हम नए पार्टीशंस बनाएंगे, प्राइमरी और एक्सटेंडेड पार्टीशंस, लॉजिकल ड्राइव्स बनाएंगे, एंड देन हम माउंटिंग करेंगे उन सारे पार्टीशंस की ताकि हम उन्हें यूज कर सकें। ओके, सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं अपने सिस्टम के पार्टीशनिंग से रिलेटेड, कि क्या क्या कुछ बेसिक्स होते हैं। तो हम सबसे पहले फाइल ओपन कर लेते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पार्टीशनिंग। और पार्टीशंस जो है हमारे दो तरह के होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है पार्टीशन एंड दूसरी होती है ड्राइव। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्टीशंस बनाते हैं। पार्टीशंस के अंदर हम ड्राइव्स क्रिएट करते हैं और हम ड्राइव्स को यूज करते हैं टू स्टोर डेटा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह के पार्टीशंस होते हैं, प्राइमरी पार्टीशंस और एक्सटेंडेड पार्टीशंस। ठीक है, तो प्राइमरी पार्टीशन और एक्सटेंडेड पार्टीशंस क्या होते हैं। प्राइमरी पार्टीशंस को हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब पार्टीशंस प्राइमरी पार्टीशन का हम फिर से डिवाइड करके कोई ड्राइव्स नहीं बना सकते। लेकिन एक्सटेंडेड पार्टीशंस, अगर कोई एक्सटेंडेड पार्टीशन है तो हम उसको डिफरेंट डिफरेंट साइज में डिवाइड करके उसके लॉजिकल ड्राइव्स बना सकते हैं, उन लॉजिकल ड्राइव्स को यूज़ कर सकते हैं टू स्टोर डेटा। ठीक है, प्राइमरी पार्टीशन, अगर हमने 10 GB का प्राइमरी पार्टीशन बनाया तो हमें 10 GB की ही प्राइमरी ड्राइव बनानी पड़ेगी, वो प्राइमरी ड्राइव बन जाएगी हमारी। ठीक है, अगर हमारा 10 GB का एक्सटेंडेड पार्टीशन है तो हम उसमें 2-2 GB के 5 लॉजिकल ड्राइव्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है पार्टीशनिंग और ड्राइव्स का फंडा। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई डिवाइस ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, तो उसमें हम मैक्सिमम 4 पार्टीशंस बना सकते हैं। वो 4 पार्टीशंस कैसे हो सकते हैं कि उसमें या तो चारों प्राइमरी ड्राइव प्राइमरी पार्टीशंस हो, या फिर 3 प्राइमरी पार्टीशंस, एक एक्सटेंडेड पार्टीशन, या फिर 2 प्राइमरी पार्टीशन, 2 एक्सटेंडेड पार्टीशन, या फिर 1 प्राइमरी पार्टीशंस और 3 एक्सटेंडेड पार्टीशंस। ये हो जाएंगे पार्टीशंस। जब हम पार्टीशन को फॉर्मेट कर देते हैं, जब हम पार्टीशन को फॉर्मेट करके उसे माउंट करा देंगे तो वो बन जाएगी एक ड्राइव जिसको हम यूज़ करेंगे टू स्टोर डेटा। ठीक है, तो प्राइमरी पार्टीशन जो होता है वो प्राइमरी ड्राइव बन जाती है, और एक्सटेंडेड पार्टीशन को हम
फर्दर डिवाइड करके हम लॉजिकल ट्राइब्स बना लेते हैं उसमें। तो एक्सटेंडेड पार्टीशन को हम ब्रेक करके डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकल ट्राइब्स बना सकते हैं, लेकिन प्राइमरी पार्टीशन जो है, अगर हमारा 10 GB का, तो 10 GB की ही प्राइमरी ड्राइव बनेगी हमारी, ठीक है। अब हमारा मे बी ये भी पॉसिबल है कि हमारे जो हार्ड सिस्टम है, जो हमारा हार्ड सर्वर है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट हार्ड डिस्क लगी हो। सकता है कि दो या दो से ज़्यादा हार्ड डिस्क लगी हो, तो उन हार्ड डिस्क को कैसे फर्दर आइडेंटिफाई करेगा हमारा जो लिनक्स है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, हम उसको देख लेते हैं। तो हमारी जो हार्ड डिस्क है वो दो टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, दो तरह से हमारे सिस्टम से अटैच होती है, एक आटा टेक्नोलॉजी, एक साटा टेक्नोलॉजी। साटा मतलब सीरियल आटा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास सिर्फ एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, यानी कि वो प्राइमरी मास्टर हार्ड डिस्क है, तो वो सो होगी SDA नाम से। SDA नाम से अगर वो साटा पे काम कर रही है तो वो SDA नाम से सो होगी, ठीक है। अगर हमारे सिस्टम में हमने दूसरी हार्ड डिस्क और लगाई तो उसका जो नाम आ जाएगा वो हो जाएगा SDB। ये जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है SDA SDB, हमारे कितने हार्ड डिस्क अटैच्ड है, वो होती है /dev नाम के पार्टीशन के अंदर। मतलब /dev की जो डायरेक्टरी होती है रूट के अंदर, उसमें ये इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे सिस्टम से कितनी हार्ड डिस्क जो है अटैच्ड है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक हार्ड डिस्क है तो SDA या फिर SDA, अगर दूसरी हार्ड डिस्क हम अटैच करेंगे तो SDB SDB, सेकेंडरी अगर मास्टर, अगर हम थर्ड थर्ड हार्ड डिस्क अगर अटैच करते हैं तो वो HDC और SDC हो सकती है। ऐसे ही फर्दर फोर्थ हार्ड डिस्क हम अटैच करेंगे तो SDD और SDD हो सकती है, ठीक है। आज मैंने आपको शो करने के लिए अपनी जो वर्चुअल मशीन है उसमें एक और वर्चुअल हार्ड डिस्क जो है 4 GB की एक्स्ट्रा इंक्रीज की है, ठीक है। तो हम फर्दर देखते हैं कि क्या होता है। ओके नाउ तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, हम सबसे पहले एक आज यू एफ डिस्क कमांड का यूज करेंगे। एफ डिस्क क्या है? एफ डिस्क एक यूटिलिटी है जो कि पार्टीशन क्रिएट करना, पार्टीशन डिलीट करना, उसकी इंफॉर्मेशन लेना, उनके फाइल सिस्टम को चेंज करना, एंड मतलब काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। तो एफ डिस्क जो है एक यूटिलिटी है, ठीक है। तो एफ डिस्क सबसे पहले मेरे को ये जानना है कि हमारे सिस्टम में कितनी हार्ड डिस्क अटैच्ड है और उनके कितने कितने पार्टीशंस क्रिएटेड हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक कमांड होती है एफ डिस्क -L, इसको जब हम चलाएंगे तो हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि हमारे सिस्टम में कितनी हार्ड डिस्क अटैच है और कितने पार्टीशंस उसके क्रिएटेड है। तो हमारी सबसे पहले हार्ड डिस्क आई /dev SDA। /dev SDA मतलब पहली हार्ड डिस्क 16 GB की है, ठीक है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। अब उसके ये पार्टीशंस है, ये पांच पार्टीशंस उसके जो है बनाए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्टीशन है SDA1, एस्ट्रिक बूट के आगे लगा है, मतलब ये बूटेबल पार्टीशन है, बूट पार्टीशन है, ठीक है। स्टार्ट और एंड क्या है? ये सिलेंडर लिमिट्स है, मतलब सिलेंडर लिमिट्स स्टार्ट कहाँ से हो रही है और सिलेंडर लिमिट्स एंड कहाँ तक हो रही है। ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का मतलब है उसका साइज क्या है उस पार्टीशन का, यानी कि ये क्या है 10 GB का पार्टीशन है, ठीक है, सॉरी 1 GB का पार्टीशन है, यस, एक 1 GB का पार्टीशन है, ठीक है। 83 ID का मतलब है कि ये EXT4 फाइल सिस्टम पे काम करता है। ID 83 जो है EXT4 को रिप्रेजेंट करती है। सिस्टम यानी कि लिनक्स, मतलब किस सिस्टम के लिए है, लिनक्स के लिए है, स्वैप है या एक्सटेंडेड है। लिनक्स का मतलब बेसिकली वो प्राइमरी पार्टीशन है और EXT4 पे EXT4 से सब फॉर्मेटेड है पार्टीशन, ठीक है। नाउ अब जो हमारी जो SDA डिवाइस है, SDA, उसमें हमारे पांच पार्टीशंस बने हुए हैं, पांच ड्राइव्स बनी हुई हैं, ठीक है, पांच ड्राइव्स बनी हुई हैं जिन्हें हम यूज कर रहे हैं। अब हमारी दूसरी डिस्क लगी हुई है SDB नाम से, जो कि 4 GB की है और उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से जो आप यहाँ देख सकते हो, और इसमें कोई भी पार्टीशन नहीं बना हुआ है अभी, ठीक है, इसमें कोई भी पार्टीशन नहीं हुआ हुआ है। ओके नाउ अब अगर हम चाहते हैं
कुछ नए पार्टीशंस क्रिएट करना इन अदर डिवाइस। देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा एक्सटेंडेड पार्टीशन है। एक्सटेंडेड पार्टीशन में हम और पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं अगर फ्री स्पेस है, बट हम जो है हम SDB यूज़ करेंगे, दूसरी हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे पार्टीशन करने के लिए। लेकिन आप उसी डिस्क में भी अगर फ्री स्पेस है तो उसको भी यूज़ कर सकते हो पार्टीशन करने के लिए, ठीक है। तो अगर हमें पार्टीशन करने हैं तो हमने यूटिलिटी का नाम पढ़ा था एफ डिस्क, ठीक है। अब हमें किस ड्राइव में, किस हार्ड ड्राइव में पार्टीशंस क्रिएट करने हैं उसका नाम, तो डैम, उसका मतलब लोकेशन क्या है उस हार्ड डिस्क की, तो डैम SDB, ठीक है, एंटर। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करे हुए तो एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा आपके पास, कमांड और एम फॉर हेल्प, ठीक है। जब जैसे आप एम प्रेस करोगे एक टेबल आएगी, हेल्प टेबल, और इसमें आपको कुछ सजेशंस दिए होंगे कि आप इन इन लेटर्स से या फिर इस अल्फाबेट से आप ये काम कर सकते हो। जैसे एन से नया पार्टीशन बना सकते हो, पी से प्रिंट कर सकते हो, डब्ल्यू से उसको सेव कर सकते हो, तो ये सारे काम करेंगे। सबसे पहले हम प्रिंट करके देखते हैं कि इस पार्टीशन में क्या क्या है। तो पी से प्रेस किया तो कोई भी पार्टीशन हमारा नहीं आया, ठीक है। अब हमें एक नया पार्टीशन क्रिएट करना है, तो नए पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हम फिर से हेल्प लेते हैं। तो एन से जो है हमारा नया पार्टीशन बन रहा है, तो हमने एन प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है कि हमें एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाना है या प्राइमरी पार्टीशन बनाना है। तो प्राइमरी पार्टीशन बनाना है हमें सबसे पहले, तो हमने पी प्रेस कर दिया, ठीक है। अब पार्टीशन नंबर क्या हो सकता है, मैंने बताया था कि सिर्फ चार पार्टीशन हो सकते हैं हमारे, तो मैक्सिमम चार पार्टीशन हो सकते हैं। तो हमने क्या किया कि पहला पार्टीशन दे दिया, पार्टीशन नंबर वन। अब ये पूछ रहा है कि सिलेंडर लिमिट्स क्या है, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट है, वन। मतलब सिलेंडर वैल्यू का मतलब क्या है कि वो जो हमारी हार्ड डिस्क है उस पे कितना स्पेस लेना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक एंड करेगा वो लिमिट पूछ रहा है, सिलेंडर लिमिट। तो डिफॉल्ट वैल्यू उसने वन सेलेक्ट कर ली, तो हमने एंटर प्रेस करके उसको ही रहने दिया कि डिफॉल्ट वैल्यू वन ही है, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया वहाँ पे। अब लास्ट जो सिलेंडर वैल्यू है, या तो हम वहाँ पे जो है सिलेंडर वैल्यू दें या फिर उसका साइज दें इन मेगाबाइट, गीगाबाइट और किलोबाइट में, ठीक है। तो हम मैं जो है +1 GB, मतलब 1 GB का स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। एक जीबी का स्पेस मैंने जो है यहाँ पे दे दिया, 1 GB का स्पेस दे दिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो जो है एक पार्टीशन बन गया प्राइमरी। मैं पी से फिर से प्रिंट कर लेता हूँ, देखिए पहला पार्टीशन बन गया SD1, SDB1 जो कि 1 GB का है, उसको आईडी मिली 83 और सिस्टम जो है लिनक्स टाइप। अब मैं फिर से एक और पार्टीशन बनाना चाहता हूँ प्राइमरी, तो एन मेरे को प्राइमरी बनाना है, लेकिन अब पार्टीशन नंबर मैं फर्स्ट दे चुका हूँ, तो दूसरा पार्टीशन। अब जो डिफॉल्ट वैल्यू 133 सेट हो गई, क्योंकि पहला पार्टीशन जो है 132 पे एंड हो गया था, तो 133 जो है ऑटोमेटिकली सेट हो गई, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ ताकि वो 133 को ही सेट कर ले। नाउ मैं जो है फिर से 1 GB का पार्टीशन बना देता हूँ, ठीक है। फिर से पी प्रेस करता हूँ, देखिए एक और पार्टीशन बन गया। अब मेरे को फिर से एक पार्टीशन बनाना है जो कि एक्सटेंडेड पार्टीशन हो, तो एक्सटेंडेड पार्टीशन, पार्टीशन नंबर 3, एंटर, इसको भी मैंने दे दिया 1 GB, ठीक है। मैंने फिर से पी प्रेस किया, देखा, नाउ देखिए तीन पार्टीशन क्रिएट हो गए। ओके, तो जो है मेरे तीन पार्टीशन जो है यहाँ पे क्रिएट हो गए, और जिसमें से दो प्राइमरी पार्टीशन है और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो एक्सटेंडेड पार्टीशन है, मैंने बोला था कि प्राइमरी पार्टीशंस के भी हम जो है प्राइमरी पार्टीशन को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटेंडेड पार्टीशन को मैं फर्दर डिवाइड करके लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं फर्दर एक नया पार्टीशन बनाऊंगा। अब देखो जब मैंने एक एक्सटेंडेड पार्टीशन बना लिया, तो यहाँ पे आके जो है मेरा चेंज हो गया ऑप्शन। अब पूछ रहा है लॉजिकल बनाना है या प्राइमरी बनाना है, तो मेरे को लॉजिकल बनाना है, एल एल बनाना है। फर्स्ट सिलेंडर 265 सेलेक्ट है ऑटोमेटिकली, ठीक है।
265 सेलेक्टेड है, अब मेरे को ये बनाना है 500 MB का, क्योंकि मेरे पास ओवरऑल 1 GB का पार्टीशन है। मैंने 500 MB का एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया, ठीक है, मैंने पी प्रेस किया। देखिए मेरा पूरा पार्टीशन है इस लिमिट में, 265 to 396, ठीक है, ये एक्सटेंडेड पार्टीशन है, और इसके अंदर क्रिएट हुआ 265 to 329 तक एक 500 GB का, 500 MB का एक लॉजिकल पार्टीशन, ठीक है। मान लो मैंने एक और पार्टीशन क्रिएट कर दिया लॉजिकल 500 MB का ही, ठीक है, 500 MB। अब देखो एक और 500 MB का पार्टीशन जो है क्रिएट हो गया इन, अब देखो ये 396 एंड था और 394 तक बनाए है, ठीक है। दो सिलेंडर वैल्यूज इधर उधर रह गई क्योंकि वो हम 500 ले रहे हैं, ठीक है। अब जब हम पार्टीशन क्रिएट कर देंगे, ठीक है, फिर से एम प्रेस किया मैंने, हेल्प ली। अब हम इस जो टेबल है, जो हमारा यूटिलिटी है, उससे हम बाहर आना चाह रहे हैं, तो एक कमांड होती है क्विट विदाउट सेविंग चेंजेस, और एक होता है डब्लू, राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट। जब भी हम कोई नए चेंजेस कर रहे हैं तो हम डब्लू प्रेस करके बाहर आएंगे, ठीक है। मैंने डब्लू प्रेस किया और हम बाहर आ गए। अब हम जब भी हम नए पार्टीशंस क्रिएट करेंगे, एक कमांड चलाएंगे पार्ट प्रो, पार्ट प्रो। ये कमांड हम क्यों चलाते हैं, जब भी हम नए पार्टीशंस क्रिएट करते हैं तो उन नए पार्टीशंस की इंफॉर्मेशन जो है हमारे सिस्टम के कर्नेल के पास नहीं होती, तो कर्नेल उन पार्टीशन से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो आप पूरा का पूरा सिस्टम रिस्टार्ट करें, अदरवाइज पार्ट प्रोब नाम की कमांड का यूज करें, तो जो कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट कर देता है, ठीक है। तो हम पार्ट प्रोब जो है कमांड को यूज करेंगे, और ये पार्ट प्रोब कमांड जो है पूरे के पूरे सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है उसको फिर से चेंजेस कर देगा, ठीक है। हमारे पार्टीशंस क्रिएट हो गए, पार्टीशंस क्रिएट हो गए, एफ डिस्क हाइफन एल से हम फिर से देख लेते हैं, ऊपर के पार्टीशंस क्रिएट हो गए, अब नीचे के पार्टीशन जो है हमें शो हो रहे हैं। अब हम कोई भी पार्टीशन को फॉर्मेट करके उसकी एक ड्राइव बनाना चाह रहे हैं, और उस ड्राइव को माउंट करेंगे ताकि हम उसको यूज कर सकें। ध्यान रखिए अभी पार्टीशंस क्रिएट हुए हैं, ड्राइव क्रिएट नहीं हुई है, तो अभी हमें इसके ऊपर एक फाइल सिस्टम बनाना पड़ेगा। फाइल सिस्टम जब हम दे देंगे एक पार्टीशन को, तब वो एक ड्राइव बनेगी, और उस ड्राइव को हम एक माउंट पॉइंट पे माउंट करेंगे, तब हम उसको जो है यूज कर सकते हैं एज अ ड्राइव, और एज अ ड्राइव यूज करेंगे, पार्टीशन तो यूज कर नहीं सकते, तो एज अ ड्राइव बनाने के लिए हमें उसको फाइल सिस्टम देना पड़ेगा। फाइल सिस्टम बनाने के लिए किसी पार्टीशन को फॉर्मेट करने के लिए एम के एफ एस मेक फाइल सिस्टम डॉट, आपको कौन सा फाइल सिस्टम देना है, जैसे मेरे को देना है EXT4, किस ड्राइव को देना है, स्लैश टैब स्लैश STB1, ओके, स्लैश STB1 को मेरे को फॉर्मेट करना है। देखिए STB1 जो है फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब STB1 जो है फॉर्मेट हो गया, अब ये ड्राइव बन गई, अब इस ड्राइव को कहीं माउंट कराना पड़ेगा यूज करने के लिए, तो मैं एक MKDIR एक फोल्डर बना लेता हूँ जो पे माउंट करूंगा, MKDIR डेटा नाम से, ठीक है। तो हमारे जो डेस्कटॉप है उस पर एक डेटा नाम का फोल्डर बन गया। अब माउंट कराने के लिए कमांड है माउंट हाइफन टी मीन्स वो टेम्परेरी माउंटिंग करेंगे हम, ठीक है, टेम्परेरी माउंटिंग हाइफन टी, उसका फाइल सिस्टम क्या टाइप क्या है, EXT4, सॉरी EXT4, एंड किस ड्राइव को हम माउंट करेंगे, स्लैश डेव STB/dev/STB1 को माउंट करेंगे, कहाँ पे माउंट करेंगे, डेटा नाउ। अब इसका पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, माउंट मतलब माउंट करना है, हाइफन टी मतलब टेम्परेरी माउंटिंग,
EXE4 फाइल सिस्टम माउंट हो रहा है किस डिस्क को, किस ड्राइव को हमें माउंट करना है, तो वो है स्लैश डेप स्लैश SD1 SDB1, और कहाँ पे माउंट करना है डेटा। ठीक है, अभी मैंने इसका पूरा पाथ नहीं दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी डेस्कटॉप पे प्रेजेंट हूँ, और अगर मैंने सीधे सीधे डेटा दे दिया तो वो डेस्कटॉप पे डेटा नाम का फोल्डर सर्च करेगा और वहाँ पे जो है इस पार्टीशन को, इस ड्राइव को जो है माउंट कर देगा। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया। देखिए, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, एक पार्टीशन जो है माउंट हो गया 1.1 GB का। अब देखिए कंप्यूटर में देखते हैं, देखिए 1.1 GB का एक फिर से पार्टीशन जो है यहाँ पर आ गया। नाउ डेटा, डेटा में देखिए लॉस्ट फाउंड नाम की एक वो आई। अब देखिए मैं जाता हूँ CD, CD के अंदर, CD से डेटा के अंदर गया। यहाँ पे मैंने MKDIR उमेश नाम की फाइल बना दी, TOU टच से जो है मैंने 1 2 3 4 5 जो है ड्राइव्स बना दी, LS करके देखा तो सारी की सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, डेटा से मैं फिर से बाहर आ गया। ओके, तो हमने पहले पार्टीशन क्रिएट किया, फिर उस पर फाइल सिस्टम क्रिएट किया, फाइल सिस्टम क्रिएट होने से वो ड्राइव बन गई, ड्राइव को फिर माउंट किया, माउंट करने के बाद हमने उसे यूज़ कर लिया। ठीक है, तो हम इसको अगर अनमाउंट करना चाहते हैं, अनमाउंट करने के लिए क्या कमांड होती है, यू माउंट एंड किस जहाँ पे हमने माउंट किया है। अच्छा, अगर हम हमें सारे के सारे माउंट पॉइंट देखने हैं, सारे के सारे माउंट पॉइंट्स देखने हैं, तो हम कमांड चलाते हैं माउंट। ठीक है, जैसे हम माउंट कमांड चलाएंगे तो जितने माउंट पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे माउंट पॉइंट्स को शो कर देगा। जैसे डैब SDA2, SDA2 कहाँ पे माउंट है, स्लैश मतलब स्लैश पार्टीशन है तो स्लैश पे माउंट है। प्रोक ऑन प्रोक सिस्टम पे ये माउंट, ये माउंट, ये माउंट, ये माउंट, ये माउंट, ये सारे के सारे माउंटिंग हो गए। ठीक है, अगर हमें इसको अनमाउंट करना है तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अनमाउंट हो जाएगा, अदरवाइज हम यू माउंट चला सकते हैं, यू माउंट और डेटा। ठीक है, तो हमारा जो ड्राइव है वो अनमाउंट हो गई। जैसे अनमाउंट हुई, डेटा के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि इस पे एक ड्राइव हमने जो है माउंट कर रखी थी। ओके, तो अभी हम माउंट पूरा पढ़ेंगे, फिर से थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे, तो हम देखते हैं कि कैसे वर्क होता है माउंट का। ठीक है, तब हम ये जो हमने टेम्परेरी माउंटिंग की, इसकी परमानेंट माउंटिंग भी देखेंगे। ओके, नाउ अगर हमें स्वैप पार्टीशन क्रिएट करना है, अगर हमें स्वैप पार्टीशन क्रिएट करना है तो हम किस तरह से, देखिए अगर हमने एक कमांड चलाई parted-l, parted-l कमांड चलाने से क्या हुआ कि हमारे सिस्टम में जितने ड्राइव, जितनी हार्ड डिस्क लगी हैं, उनमें जितने पार्टीशंस हैं, उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि वो किस तरह का पार्टीशन है, क्या है, कितना स्पेस है उसका, और कितना साइज है, और किस टाइप का है। ठीक है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, अगर अगर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो सबसे पहले हम वर्चुअल मेमोरी और स्वैप का कॉन्सेप्ट तो हम जानते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं कि हम वर्चुअल मेमोरी का यूज़ क्यों करते हैं। तो हमारे कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो कि वर्चुअल मेमोरी की रिक्वायरमेंट रखते हैं कि उन्हें वर्चुअल मेमोरी चाहिए फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रैम बहुत कम होती है तो हम एक मेमोरी बना लेते हैं अपनी हार्ड डिस्क में, वर्चुअल मेमोरी। तो क्या होता है कि हमारा जो डेटा करेंटली रैम पर है और जो यूज नहीं हो रहा है इन एग्जीक्यूशन, हम उसको मूव करा देंगे ऑन हमारी वर्चुअल मेमोरी में, और हम जो फ्री स्पेस हो जाएगा अब रैम पे, उस पे हम नया कॉन्सेप्ट
कोई भी डेटा लेके उसको एग्जीक्यूशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारी वर्चुअल मेमोरी का। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में कितनी वर्चुअल मेमोरी है पहले से, वो फिजिकल कितनी मेमोरी है और कितनी यूज हो रही है, तो उसके लिए कमांड होती है फ्री हाइफन एम का यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट आएगी, उसमें मेमोरी होगी। मेमोरी मतलब फिजिकल मेमोरी, ये 1.5 GB फिजिकल मेमोरी है, उसमें से 380 यूज़ हो रही है, 1 GB का राउंड फ्री है, ठीक है। 23 बफर्स हैं, 182 कैचे कैसे हैं इसमें। अगर स्वैप पार्टीशन मतलब वर्चुअल मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है हमारे पास, 4 GB वर्चुअल मेमोरी है, कोई कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, पूरी की पूरी फ्री है, ठीक है। नाउ अब हम ये देखना चाहते हैं कि स्वैप मेमोरी कौन सी यूज हो रही है। तो स्वैप ऑन हाइफन एस, स्वैप ऑन हाइफन एस हमारी जो कौन सी मेमोरी, स्वैप मेमोरी जो है यूज हो रही है अभी, तो इसकी कमांड है स्वैप ऑन हाइफन एस, कौन सी मेमोरी स्वैप की जो है अभी ऑन है। तो SDO3 जो है स्वैप मेमोरी है और उसको वही सिर्फ यूज़ हो रही है, लेकिन साइज उसका इतना है यूज़ में ये है, ठीक है। हो सकता है कि हमारे सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा स्वैप मेमोरीज हों, लेकिन उनमें से अभी सिर्फ ये ही स्वैप मेमोरी जो है यूज़ हो रही है, ओके। एक और कमांड होती है स्वैप ऑन हाइफन ए। नाउ अब मैं एफ डिस्क हाइफन एल, इसमें से मैं एक पार्टीशन को, जैसे मैं SDAB2 पार्टीशन को जो है स्वैप पार्टीशन में कन्वर्ट करके एज अ स्वैप यूज करना चाहता हूँ, या फिर कोई नया पार्टीशन क्रिएट करके उसको एज अ स्वैप यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो कैसे करूँगा, तो एफ डिस्क हाइफन, मेरे को फिर से पार्टीशन करने हैं तो मैं डेब उसकी पूरी यूटिलिटी में जाऊंगा, SDB पी प्रेस करूंगा, प्रिंट किया तो हमारे पास इतना स्पेस आ गया। अगर अगर मैं SDB2 नाम की जो डायरेक्टरी है उसको अगर चेंज करके स्वैप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो हम एम प्रेस करेंगे और टी से देंगे, टी से हम जो है चेंज द पार्टीशन सिस्टम आईडी, हम आईडी चेंज कर सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारी जो स्वैप पार्टीशन की आईडी होती है वो 82 होती है, और यहाँ पर सारी की सारी 83 है, ठीक है। तो हम जो आईडी चेंज करेंगे तो टी, हमें किस पार्टीशन की आईडी चेंज करनी है, तो हमें दूसरे पार्टीशन की आईडी चेंज करनी है। अब हेक्स कोड क्या है उस पार्टीशन का, और एल टाइप एल फॉर लिस्ट कोड्स, एल प्रेस किया, हमने पूरी लिस्ट देखी कि जो है स्वैप पार्टीशन का कोड क्या है। स्वैप पार्टीशन का कोड देखा तो स्वैप पार्टीशन का कोड होता है 82, तो ये है देखिए लिनक्स स्वैप, ठीक है 82, तो हमने यहाँ पे 82 दे दिया, ठीक है। अब फिर से प्रिंट प्रेस किया तो ये क्या कर क्रिएट हो गया, ये एक स्वैप पार्टीशन क्रिएट हो गया, ठीक है स्वैप पार्टीशन क्रिएट हो गया। अब हम इसे सेव करते हैं W से और बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बाहर आ गए, अब हम हमने दो पार्टीशन क्रिएट कर दी, अब हम स्वैप ऑन से फिर से चेक करते हैं कि कौन सा पार्टीशन यूज़ हो रहा है। तो देखिए सिर्फ SDA3 यूज़ हो रहा है, जो हमने SDB2 जो बनाया था वो अभी जो है यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंट्री करनी पड़ेगी, परमानेंट माउंटिंग करनी पड़ेगी इसकी। तो हमने फ्री माइनस एम किया, अभी देखिए हमने 1 GB जो है स्वैप पार्टीशन नया बना दिया, लेकिन ये जो है अभी तक 4 ही GB है, इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसको हमें इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि परमानेंट माउंटिंग करनी पड़ेगी, etc और एफ स्टेप में एंट्री करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे जो है स्वैप पार्टीशन की एंट्री जो है
स्वैप पार्टीशन की एंट्री है, तो जो स्वैप पार्टीशन की एंट्री है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ पूरी, ठीक है। तो जो 12th लाइन है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ डबल वाई प्रेस करके। हमने सब पढ़ चुके हैं हम वीआईएम एडिटर वाले चैप्टर में कि वीआईएम एडिटर में हम कैसे कॉपी करते हैं, कैसे पेस्ट करते हैं, और उसको 13th लाइन पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। नाउ 13th लाइन पे मैंने वो उस पेस्ट कर दी, ठीक है। मैं इसको इंसर्ट करता हूँ और इस पूरी लाइन को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमें यूआईडी नहीं पता, यूयूआईडी नहीं पता हमें, उसका एक सिर्फ पाथ पता है कि HTTP 2 नाम का पाथ है। तो हमने इसकी एंट्री दी और इसको जो है सेव करके बाहर आ गए, ठीक है। नाउ हम जो लाइक क्रिएट कर रहे थे एप्स टैब, तो सबसे पहले एम के स्वैप में हमें मैं स्वैप पार्टीशन करना पड़ेगा, स्लैश टैब स्लैश HTTP 2, ठीक है। तो हमने जो है स्वैप पार्टीशन क्रिएट कर लिया। स्वैप पार्टीशन क्रिएट करने के लिए जो है हमने स्वैप ऑन किया हाइफन एस, अब उसको स्टार्ट कर लिया स्वैप एस। अब हम उसे स्टार्ट करते हैं डैम स्लैश HTTP 2 नाम से। अब हमने उस पार्टीशन को जो है स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। लेकिन जो है अभी वो जो है देखते हैं फ्री हाइफन एम यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए अब जो है हमारा स्वैप पार्टीशन जो है आने लगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, अगर हम फिर से ऑफ करना चाहते हैं तो स्वैप ऑफ स्लैश डैब स्लैश HTTP 2। SPD हो गया, सॉरी HTTP होता है DP 2। अब देखते हैं फ्री हाइफन एम, देखिए अब 399 यानी 3 4 GB हमारा फिर से स्वैप पार्टीशन है। तो स्वैप पार्टीशन के लिए हमने क्या किया, बेसिकली सबसे पहले एफ डिस्क स्लैश डैम स्लैश HTTP हमने यहाँ गए, हमने यहाँ जाके सबसे पहले एक पार्टीशन क्रिएट कर लिया, या फिर कोई एग्जिस्टिंग पार्टीशन को स्वैप में कन्वर्ट कर लिया, या फिर नया पार्टीशन किया और उसको जो है उसके आईडी को चेंज करके स्वैप पार्टीशन बना दिया। स्वैप पार्टीशन बनाने के बाद डब्लू उसको राइट किया और हम बाहर आ गए, ठीक है। उसके बाद एम के स्वैप मेक स्वैप मतलब उस पार्टीशन को पे फाइल सिस्टम राइट किया, स्वैप फाइल सिस्टम एम के स्वैप। उसके बाद उस ड्राइव का नाम जहाँ पे उसको राइट करना है तो HTTP 2, वहाँ पे HTTP 2 राइट किया। फिर इस फाइल सिस्टम को जो है हमें ऑन करना पड़ेगा, तो एम के नहीं सॉरी स्वैप ऑन हाइफन ए स्लैश टैब स्लैश HTTP 2, इसको ऑन कर दिया। ऑन करते ही क्या हुआ, ये जो है वहाँ पे ऐड हो गया हाइफन एम। देखिए अब अगर हम देखना चाहते हैं कि कौन सा पार्टीशन यूज हो रहा है तो स्वैप ऑन हाइफन एस, देखिए दोनों यूज हो रहे हैं और दोनों का 0-0 यूज हो रहा है। कोई भी पार्टीशन यानी कि हमारे सिस्टम में दो स्वैप पार्टीशन एग्जिस्ट करते हैं, वो दोनों की दोनों यूज हो रहे हैं अभी। अब फिर से मैं अगर इसको ऑफ करना चाहूँ, जो हमने अभी स्वैप पार्टीशन वो बनाया है, तो स्वैप ऑफ स्लैश टैब स्लैश HTTP 2, ओके देन फ्री हाइफन एम, देखिए फिर से ये 4 GB हो गया। देन फिर से अगर हम स्वैप ऑन हाइफन एस यूज़ करेंगे तो सिर्फ एक ड्राइव आ रही है, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमारा स्वैप पार्टीशन खत्म हो जाता है। अब देखते हैं हम माउंटिंग।
कि माउंटिंग और परमानेंट माउंटिंग जो है कैसे करेंगे। गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक नाउ। अब हम जो है स्वैप पार्टीशन बनाना, उसकी एंट्री करना, उसको एक्टिव करना, ऑफ करना, सब कुछ सीख चुके हैं। नाउ हम देखते हैं कि हम माउंटिंग कैसे करेंगे, माउंटिंग परमानेंट माउंटिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने माउंटिंग के लिए बताया था। सबसे पहले हम माउंट पॉइंट देखने के लिए माउंट एंटर करेंगे, तो जितने भी माउंट पॉइंट्स होंगे मेरी सिस्टम में, वो सारे के सारे माउंट पॉइंट्स जो है शो कर देगा। ठीक है, अब अगर हमारी सीडी रोम है तो हम कुछ माउंट पॉइंट्स रिलेटेड देख लेते हैं। माउंटिंग, अगर सीडी रोम है तो वो कहाँ माउंट होगा डिफॉल्ट? /dev/sr0। ये जो माउंट पॉइंट होगा ये हमारा हमेशा सीडी रोम का होगा। ठीक है, अगर वो sd/ अगर हमारी फ्लॉपी है, फ्लॉपी है हमारी, तो जो हमारा माउंट पॉइंट होगा वो /dev/fd0 और /dev/hpet। ये जो दो अगर माउंट पॉइंट्स हैं तो वो उनका मतलब है कि वो सीडी रोम या फिर फ्लॉपी ड्राइव के हैं। ठीक है, नाउ इसको हम जो है सेव करके बाहर आ जाते हैं। अब देखिए, मैंने पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ माउंट। तो ये देखिए /dev/sr0 sr0 RHEL यहाँ पे माउंट है सीडी रोम में, तो sr0 में माउंट है मीडिया के अंदर। RHEL नाम की जो हमारी ड्राइव है, RHEL नाम की मेरी सीडी डिस्क है, वो माउंटेड है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमेशा सीडी रोम का होता है /dev/sr0। नाउ अगर हमें कोई टेम्परेरी माउंटिंग करनी है तो माउंट -t ext4, मतलब जिस पार्टीशन में /dev/sdb1 जो है मैंने माउंट किया डेटा पर। ठीक है, फिर से तो जो डेटा के अंदर जो है माउंट हो गया, और जो हमने फाइल्स बनाई थी वो अभी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ अब मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करके देखता हूँ। मैंने बताया था रीस्टार्ट करने के लिए init 6। जब भी हम परमानेंट माउंटिंग करेंगे तो वो रीस्टार्ट करने के बाद सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, वो माउंटिंग वहां पे परमानेंट नहीं रहेगी। ठीक है, अगर हमें परमानेंट माउंटिंग करनी है तो हमें उसकी एंट्री जो है एफ स्टैब नाम की एक फाइल होती है ETC के अंदर एफ स्टैब नाम की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, उसके अंदर उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, तब वो जो है परमानेंट माउंटिंग बनती है उसकी पूरी। ठीक है, तो अभी अभी देख लेते हैं, सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो हमने जो भी माउंटिंग की वो टेम्परेरी माउंटिंग की थी, आफ्टर रिस्टार्टिंग वो माउंटिंग ऑटोमेटिकली हट जाएगी, और उसके बाद जो है हम परमानेंट माउंटिंग देखेंगे। फिर से सिस्टम रिस्टार्ट करके देखेंगे हम कि हमारे सिस्टम जो हमने परमानेंट माउंटिंग की वो रिस्टार्ट के बाद हट रही है या नहीं हट रही है। देखिए, अब मैंने सिस्टम रीस्टार्ट किया तो डेटा के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब जो हमारी माउंटिंग थी वो जो है हट चुकी है, यानी कि वो टेम्परेरी माउंटिंग थी। अब मैं चाहता हूँ कि जो डेटा वाली जो माउंटिंग मैंने की वो परमानेंट माउंटिंग हो जाए, तो परमानेंट माउंटिंग के लिए मेरे को जो एंट्री करनी पड़ेगी वो etc/fstab नाम की एक फाइल के अंदर जो है मेरी उस फाइल की जो है एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक
ठीक है। तो सबसे पहले मैं ड्राइव का नाम लिखूंगा कि ड्राइव की माउंटिंग कहाँ करनी है। तो स्लैश डैब स्लैश STB1, इस ड्राइव की माउंटिंग करनी है, कहाँ करनी है, स्लैश रूट, रूट के अंदर डेस्कटॉप, ये इसका पूरा पाथ, पाथ का तो इसका पाथ क्या है, स्लैश रूट, स्लैश रूट के बाद डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के बाद डेटा, ठीक है, इतना बड़ा पाथ है इसका, तो हम वो पाथ दे देते हैं, स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश डेटा, ठीक है, यहाँ पे माउंट होना है। इसका फाइल सिस्टम टाइप क्या होगा, फाइल सिस्टम टाइप क्या है, EXT4, ठीक है, EXT4, बाकी हम डिफॉल्ट्स रख देते हैं और 0 एंड 0 0, ठीक है, इतना एंट्री किया और हमने उसको सेव कर दिया। क्या क्या किया, जिस पार्टीशन को माउंट करना है वो लिखा, टैब प्रेस किया, फिर जहाँ पे माउंट करना है वो माउंट पॉइंट दिया, फिर जो फाइल सिस्टम है उसका फाइल सिस्टम दिया, फिर आगे डिफॉल्ट 100 लिख दिया। ओके नाउ अब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं कि रीस्टार्ट से ये जो है माउंटिंग होती है या नहीं होती है। ये जो टेबल है ये क्या करती है कि जब हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा होता है उसी टाइम पे जो है जो भी एंट्रीज होती हैं इसकी वो उन एंट्रीज को जो है उन माउंट पॉइंट्स पे माउंट कर देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हमारी जो SDB1 नाम की जो डायरेक्टरी है, सॉरी ड्राइव है, उसकी भी माउंटिंग जो है रीस्टार्ट के टाइम पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, इसलिए हमने इसमें एंट्री कर दी। तो जब तो ये एक तरह की हमारी परमानेंट माउंटिंग हो गई। नाउ देखते हैं, फिर से ओपन करते हैं, रूट पासवर्ड देते हैं, देखिए डेटा को किया तो ये क्या हो गया, परमानेंट माउंट हो गया, परमानेंट माउंटिंग हो गई इसकी डेटा की, ठीक है। नाउ अगर हम इसकी एंट्री इसको हटाना चाहते हैं, मतलब फिर से परमानेंट माउंटिंग हटाना चाहते हैं, तो क्या करना है, vim/etc/past fstab एंड जाके बस ये वाली एंट्री जो है dd से एंट्री कर जो है डिलीट करनी है और खत्म कर देनी है, ठीक है। तो जब हम हमारा सिस्टम जो है नेक्स्ट रीस्टार्ट होगा तो ये माउंटिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, आई होप यू विल लर्न मोर अबाउट द माउंटिंग पार्टीशंस एंड वर्चुअल मेमोरीज फ्रॉम दिस लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स। आई होप यू इंजॉइंग माई दिस RHEL 6.0 ट्रैक लेक्चर सीरीज। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।